मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई लखनऊ वालों की आवाज को क्या हो गया है? जो लोग सीए का विरोध कर रहे हैं उनके बहरे कानों तक आवाज पहुंचे, ऐसे प्रचंड आवाज से बोलिए, दोनों हाथ उठाइए, सब लोग उठाए दोनों हाथ, पीछे तक रोड पर मोदी जी के समर्थन की संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित गोरखपीठ के पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं जब उत्तर प्रदेश में प्रभारी के रूप में काम करता था तब से मेरे सहयोगी उत्तर प्रदेश के संगठन की विकास यात्रा के साक्षी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश संगठन के संगठन मंत्री श्रीमान सुनील बंसल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री जेपीएस राठौर जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश तिवारी जी और आज इस सभा में उपस्थित विधायक सांसद पार्षद और आज लखनऊ के इस मैदान में दूर दूर तक जहां तक नजर जाती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। इस सभा में उपस्थित प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, मित्रों आज भारतीय जनता पार्टी के जन जागरण अभियान के लिए मैं आज आप सबके बीच में आया हूं। मित्रों ये जन जागरण अभियान कोई बड़े वैचारिक आंदोलन होते हैं तब होता है, चुनाव होते हैं तब होता है। अभी तो हमारी सरकार बने अभी अभी 8 महीना हुआ है, हमने जन जागरण अभियान लेकर क्यों जनता के बीच में जाना पड़ रहा है? मित्रों ये जन जागरण अभियान दुष्प्रचार कर भ्रम फैलाकर देश को तोड़ने की साजिश करने वालों के खिलाफ जन जागृति का अभियान है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करना। अभी अभी संसद का सत्र था भाई, सब सरदारों के साथ एक बात बोलिए, जो बोले तो निहाल, फिर से एक बात बोलिए, जो बोले तो निहाल। अभी अभी संसद का सत्र था, देश के प्रधानमंत्री हमारे लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी एक बिल लेकर आए, नागरिकता संशोधन कानून लेकर आए, सीएए लेकर आए और इस सीएए के खिलाफ ये राहुल बाबा एंड कंपनी, ममता, अखिलेश जी, बहन मायावती, कम्युनिस्ट, सारी की सारी ब्रिगेड सीए के खिलाफ काऊ 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 कर रहे हैं। मित्रों मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने आया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल
एससीए क्या है, इसके खिलाफ प्रचार करा जा रहा है। एससीए के कारण इस देश के मुसलमानों की, इस देश के माइनॉरिटी की नागरिकता चली जाएगी। सीए बिल को लोकसभा में मैंने पारित किया, मैं पायलट किया। मैं आज आप सबके सामने कहने आया हूं, ममता दीदी, राहुल बाबा, अखिलेश जी, जिसमें भी हिम्मत है चर्चा करने के लिए सार्वजनिक मंच ढूंढ लो, हमारा स्वतंत्र देव आपके सामने चर्चा करने के लिए तैयार खड़ा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की कोई भी धारा, मुसलमान छोड़ दीजिए, अल्पसंख्यक छोड़ दीजिए, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता अगर ले सकती है तो वो आप मुझे दिखा दीजिए। मित्रों, देश में भ्रम फैलाया जा रहा है, दंगे कराए जा रहे हैं, आज गली फैलाई जा रही है, ये धरना प्रदर्शन, ये विरोध, ये भ्रांति का परिणाम जो कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा और तृणमूल कांग्रेस फैला रहे, ये बिल के अंदर कहीं पर भी कोई जगह नहीं थी किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। ये बिल के अंदर नागरिकता देने का प्रावधान, और नागरिकता हम किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, भारत के विभाजन के बाद करोड़ों की संख्या में हिंदू वहां रह गए, सिख वहां रह गए, ईसाई रह गए, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, उन पर अमानवीय अत्याचार। मित्रों, मैंने उनके दर्द को सुना, हजारों हजारों कार्यकर्ताओं ने उनके दर्द को सुना। महात्मा गांधी की जयंती के दिन 1000 माताओं, बहनों, बहुओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उनको उठवा लिया जाता है, उनको जबरदस्ती निकाह पढ़ाया जाता है, धर्म परिवर्तन करा जाता है। हजारों हजारों की संख्या में मंदिर, गुरुद्वारा तोड़े जाते हैं। अफगानिस्तान के अंदर आज बहुत सारे दलित भाई आए, अफगानिस्तान के अंदर आसमान को छूने वाला भगवान बुद्ध का पुतला था, तोप के गोले दाग कर भगवान बुद्ध के पुतले को, शांति के दूत बुद्ध के पुतले को जीर्ण जीर्ण करने का पाप भी वहां पर हुआ। और मित्रों, वो लोग वहां से भारत में, और यह सिलसिला आजादी के वक्त से चल रहा है। जब आदेश आजाद हुआ, कांग्रेस के पाप के कारण, राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, आपकी पार्टी के पाप के कारण धर्म के आधार पर भारत मां के दो टुकड़े हो गए। 16 जुलाई 1947 कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव कर विभाजन को स्वीकार कर लिया, धर्म के आधार पर विभाजन को स्वीकार किया, और लाखों लाखों लोग मारे गए, अत्याचार किए गए। उस वक्त से लेकर ये सिलसिला चला, और जब विभाजन हुआ मित्रों, पाकिस्तान के अंदर 30% पूर्वी पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश, 30% हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, और पश्चिम पाकिस्तान में 23% हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन। आज मैं पूछना चाहता हूं जो विरोध कर रहे हैं उनको, कि ये तीन, जहां 23% थे वहां 3% बच गए, सिर्फ 3%, और जहां 30% थे वहां पर सिर्फ 7% बच गए। कहां गए लोग, कहां गए मेरे वो भाई हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, कहां गए? या तो मार दिए गए, या तो धर्म परिवर्तन कर दिया गया, या तो उनकी महिलाओं को, घर की महिला सदस्य को उठवा लिया गया, या फिर भारत में आकर शरण लिए।
ये 23% से 3% हुए, 7% 30% से 7% हुए। ये आंख के अंधे और कान के बहरों को दिखाई नहीं पड़ा किसने करोड़ों लोगों पर अत्याचार किया। और जो लोग आज एक फैशन की तरह ह्यूमन राइट की बात करते हैं, पट्टियां बांध बांध कर निकलते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, जब करोड़ों लोग मारे जाते थे पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, बांग्लादेश से भाग कर आते थे, आपका ह्यूमन राइट कहां सो गया था? करोड़ों लोग मार दिए गए, भाग भगा दिए गए, धर्म परिवर्तन कर दिया गया। अरे कश्मीर के अंदर से 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में विस्थापित कर दिया गया, आपके मुंह से एक शब्द नहीं। और अब एक गांव गांव लगाई। मित्रों, आज नरेंद्र मोदी जी वर्षों से प्रताड़ित, अभी अभी मैं मिला शरणार्थी भाइयों को, बोलने के लिए मुंह में शब्द नहीं थे, गले से आवाज नहीं निकल रही थी, आंख से आंसू बह रहे थे। ये 70 साल से पीड़ित लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने उनके जीवन का नया अध्याय शुरू करने का मौका दिया। और मित्रों, ये मेरे सिख भाई, हिंदू भाई, बौद्ध भाई जो वहां से भाग कर आए, उनको नागरिकता देने का एक कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। और मैं आज लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। मित्रों, और मैं वोट बैंक के लोभी, आंख के अंधे और कान के बहरे नेताओं को कहना चाहता हूं, आप इनके कैंप में जाइए। कल 100 हेक्टर के जो मालिक थे, आज एक छोटी सी झुग्गी में अपने परिवार के साथ भीख मांग कर गुजारा कर रहे हैं। जिनकी बड़ी हवेलियां हुआ करती थी, आज उनको नागरिकता नहीं है, नौकरी नहीं है, दवाई नहीं है, खाना नहीं। मुझे बताओ लखनऊ वालों, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो हमारे सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन भाई आए हैं, उनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलिए, इनके कान बहरे हैं, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मोदी जी ने ठीक किया या नहीं किया? और मित्रों, ये लोग हमारी न सुने तो मैं समझता हूं, योगी जी आश्चर्य व्यक्त करते थे कि ये क्यों नहीं समझते। मैंने बोला, योगी जी, इनकी आंख पर वोट बैंक की पट्टी पड़ी हुई है, वोट बैंक की पट्टी पड़ी हुई है, ये नहीं सुन हमारा तो न सुनो भैया। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांधी जी ने क्या कहा। गांधी जी ने 1947 के अंदर कहा कि पाकिस्तान 26 सितंबर 1947 में प्रार्थना सभा में कहा, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू सिख हर नजरिए से भारत आ सकते हैं, निवास करना चाहे तो यहां रह सकते हैं, उनको नागरिकता देना, नौकरी देना और गौरव देना भारत सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, मुझे लगता है केंद्रीय राहत कोष का उपयोग वांछनीय होगा, पाकिस्तान के शरणार्थियों को राहत और पुनर्वास करने के लिए, इनको नागरिकता देने के लिए जो करना पड़े वो करना चाहिए, मगर करा नहीं। इंदिरा गांधी ने कहा,
15 और 16 मई को मैंने असम, त्रिपुरा और बंगाल का दौरा किया। बांग्लादेश के शरणार्थियों की पीड़ा को मैंने साझा किया। भारत की भूमि उनके लिए खुली है, हम उनके समर्थन में है, वो यहाँ रच बच सकते हैं। इंदिरा गांधी जी ने भी कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राजेंद्र बाबू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, ये सब ने कहा, मगर एक कांग्रेस पार्टी सुनने नहीं चाहती। एक कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की आस, वोट बैंक की लालच में अंधी हुई। और अखिलेश बाबू, आप ज्यादा न बोलो तो अच्छा है। किसी के रटे रटाए दो वाक्य बोल देते हो मंच पर आकर, ये क्या है, 5 मिनट जरा बोलकर तो दिखाओ। कभी कभी पढ़ा करो भैया, पढ़ने से फायदा होता है। कोरी राजनीति करने के लिए जो स्टैंड लिया है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती, मैं उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे को जानता हूं। जो देश विरोधी चीजें है, देश विरोधी नारे है, देश विरोधी काम है, इसको उत्तर प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी मित्रों, कभी स्वीकार नहीं करेगी। और ममता बनर्जी, ममता दीदी इतना जोर जोर से बोलती है, जोर जोर से बोलती है कि लगता है कि इनको हो क्या गया। परंतु मित्रों, मैं उनको कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि ममता दीदी, ये मतुआ और नाम शूद्र परिवार जो दलित है, ये यहां आए हैं, दलित बंगाली है, उनको नागरिकता मिल गई है, आपको उसमें तकलीफ क्या है भाई, बता दो हमें इसमें तकलीफ क्या है। आपने ही 2003 के अंदर देश की संसद में मांग करी थी कि इनको नागरिकता देना चाहिए। मित्रों, अभी अभी 1 साल पहले राजस्थान में चुनाव हुआ, राजस्थान का घोषणा पत्र आप निकाल कर देख लीजिए, घोषणा पत्र की कलम 34 में लिखा है, पाकिस्तान से आए हुए सिख और हिंदू को हम नागरिकता देंगे। जब आप कर रहे हो तो बरोबर है, और मोदी जी कर रहे हैं तो विरोध करना है। हम विरोध से डरने वाले नहीं, हमारा तो जन्म ही विरोध में हुआ, हमारा लालन पालन विरोध में हुआ है। हमने विपक्ष में रहकर भी ये बात कही थी और सत्ता में रहकर भी ये बात कर रहे हैं मित्रों। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएए का विरोध करते, ये राहुल बाबा को आदत पड़ी है, देश हित की जो भी बात है इसका विरोध करना। ये अखिलेश, मायावती, ममता जी, उनको आदत पड़ी है देश हित की जो भी बात हो इसका विरोध करना। मित्रों, आप मुझे बताओ, या हजारों लाखों की संख्या में आपको मैं आपको पूछने आया हूं, धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोलो, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जवाहरलाल नेहरू ने जो गलती करी थी, हमारे नेता, हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त को संविधान से धारा 370 को उखाड़ कर फेंक देने का काम। 70 साल से ये भारत माता का मुकुट बनी कश्मीर हमारा भिन्न अंग नहीं माना जाता। लोग शंका उठाते, कश्मीर के अंदर अकेला तिरंगा नहीं फहरता था, और धारा 370 नरेंद्र मोदी जी ने उठा दी, और आज कश्मीर के अंदर हमारा ये प्यारा तिरंगा आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है मित्रों, आसमान की ऊंचाइयों को। अब हमने 370 हटाई, कांग्रेस, सपा, ममता सब कहते हैं कि 370 मत हटाओ, मत हटाओ। क्यों भाई, आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? धारा 370 हटने से कश्मीर के अंदर से हमेशा के लिए आतंकवाद समाप्त होने जा रहा है मित्रों, समाप्त होने जा रहा है।
मित्रों, साहबानों सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी थी, साहबानों ने अपने अधिकार की आवाज उठाई थी, इस देश की मुस्लिम माताओं बहनों की आवाज उठाई थी कि हमें समान अधिकार मिलना चाहिए, ट्रिपल तलाक जाना चाहिए। मगर ये वोट बैंक के लालची लोग मुस्लिम माताओं बहनों के कल्याण के लिए देश के 40 से ज्यादा मुस्लिम देशों में ट्रिपल तलाक नहीं है मगर भारत के अंदर संभाल कर रखा था। आपने 2/3 बहुमत से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई, 303 सीटें दी, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को उखाड़ कर फेंक दिया। अबे ट्रिपल तलाक का भी विरोध कर रहे हैं, कह रहे नहीं 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 18वीं सदी में चले जाइए, मुस्लिम माताओं को कल्याण उनका कल्याण हो ऐसे कानून मत दीजिए, बहनों को अधिकार मत दीजिए। अरे विरोध करना है इतना करोड़ों अखिलेश, कुछ नहीं होने वाला है। इस देश के ट्रिपल तलाक को नरेंद्र मोदी जी ने हटा दिया है। मित्रों, 10 साल तक यूपीए की सरकार चली, पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, लोगों को मार देते थे, ये 5 प्रेरित आतंकवादी हिंसा का तांडव करते थे। और मनमोहन सिंह की सरकार उसके मुंह में से ऊफ नहीं, मौनी बाबा एक शब्द नहीं हुए। आपके यूपी वालों के कारण नरेंद्र मोदी सरकार बनी और पूर्ण बहुमत की बनी। उरी और पुलवामा में उनको गलती की और दोनों वक्त मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को चूर चूर करने का काम किया। मुझे बताओ लखनऊ वालों, आतंकवादी देश पर हमला करे तो उसको दृढ़ जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उनका खात्मा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के समर्थन में आप है या नहीं है। ये राहुल बाबा और अखिलेश जी कहते हैं एयर स्ट्राइक क्यों करी, क्या सबूत है, आप क्या करना चाहते हो, गुमराह लोगों पे बॉम्ब क्यों गिरा रहे हो। गुमराह ही लगते हैं तो आपकी पार्टी में सदस्यता दिला दो भैया, हमारे पास तो एक ही बात है, जो आतंकवादी देश की जनता को देश के जवान को हमला करेगा उसको अपनी भाषा में ही जवाब देना पड़ेगा। हम मित्रों एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, इसका भी ये राहुल बाबा एंड कंपनी अखिलेश एंड कंपनी ममता बनर्जी मायावती विरोध करते हैं। मित्रों अभी अभी मैं तो अवध की पवित्र भूमि पर खड़ा हूं, ये अवध साम्राज्य का हिस्सा है हमारा लखनऊ। 500 साल से भगवान राम का मंदिर आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया, लाखों लाखों लोग आंदोलन करे, करोड़ों लोग आंदोलित हुए, कई लोगों की जान की शहादत की, मगर प्रभु श्री राम का मंदिर कांग्रेस जब तक थी बनने नहीं दी। जैसे ही कोर्ट में केस आता था कपिल सिब्बल खड़े हो जाते थे, अभी मत करिए रहने दीजिए। क्यों भैया कपिल क्यों रहने दें, आपने 303 सीट मोदी जी को दे दी, सुप्रीम कोर्ट में केस गति से चला और मैं आपको कहने वाला हूं 3 महीने में आसमान को छूने वाला प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है।
मेरे साथ बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, आज जब प्रभु श्री राम का मंदिर वही भूमि पर गगनचुंबी मंदिर बनेगा, हम लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा कि हमारे जीवन के अंदर रामलला विराजमान को वहां पर हम देखेंगे। इसका भी एक कांग्रेस, अखिलेश, मायावती विरोध कर रहे हैं। मित्रों, दो साल पहले जेएनयू के अंदर देश विरोधी नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े हो 1000 1000। भाई मुझे बताओ, मैं जनता को पूछने आया हूं, जो भारत माता के 1000 टुकड़े करने की बात करे उसको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? मोदी जी ने उनको जेल में डाला और ये अखिलेश, मायावती, राहुल एंड कंपनी कह रही है ये वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। अखिलेश बाबू सुन लो, हमें जितनी गालियां देनी है दो, हमारी पार्टी को जितनी गालियां देनी है दो, मगर भारत माता के खिलाफ इस देश में नारे लगे तो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए। और मित्रों, ये सारी चीजों में जो राहुल बाबा की भाषा है, जो अखिलेश की भाषा है, जो बहन मायावती और ममता की भाषा है, वही भाषा इमरान खान बोल रहा है। राहुल बाबा कहते हैं एयर स्ट्राइक का सबूत लाओ, इमरान खान भी कहता है एयर स्ट्राइक का सबूत लाओ। इमरान खान कहते हैं सीए नहीं होना चाहिए, राहुल बाबा कहते हैं सीए नहीं होना चाहिए। इमरान खान कहते हैं धारा 370 मत हटाओ, राहुल बाबा कहते हैं धारा 370 मत हटाओ। मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ता कि इन लोगों और इमरान खान के बीच में संबंध क्या है, दोनों की भाषा क्यों है, दोनों की भाषा है। मित्रों, अंत में मोदी जी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आए। लाखों करोड़ों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन भाई मेरे जो शरणार्थी बनकर आए थे, अरबों खरबों रुपया की संपत्ति छोड़कर यहां भिखारी बन गए, जिनके पास खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है, वोट देने के लिए नागरिकता नहीं है, जिनके पास दवाई की सुविधा नहीं है, नौकरी नहीं है, इनको मोदी जी ने नागरिकता देकर सम्मान देने का निर्णय किया है। मित्रों, सम्मान देने का निर्णय, मुझे बताओ भाई, लखनऊ वालों, मोदी जी सीए लेकर आए हैं, सुनो भैया, ए युवा सुन लो जरा, मोदी जी जो सीए लेकर आए हैं, आप सभी लोग इसके साथ हो या नहीं हो, जरा जोर से बोलो, मोदी जी के साथ हो? आप चाहते हो देश में सीए रहे? आप चाहते हो मोदी जी देश के ऐसे काम करते रहे? तो कितने लोगों के पास मोबाइल है, जरा हाथ ऊपर करो, मोबाइल बाहर निकालो। है नहीं, मोबाइल बाहर निकालो भाई, मोबाइल अपना अपना मोबाइल सब निकाले, नेता भी बैठे हैं, निकाले, जरा निकालो मोबाइल। मित्रों, एक नंबर मैं बोलूंगा, मोबाइल को डायल मोड पर ले लो, वो नंबर दबाने से आप मोदी जी का समर्थन तुरंत कर दोगे, मिस कॉल देना है, निकालो जरा, डायल मोड पर ले लो। ले लिया सबने? बोलू, ध्यान से सुनकर बटन दबाना, 8 8 6 6 2 8 8 6 6 2 दबा दीजिए। आप दब गया तो आपका समर्थन मोदी जी के पास पहुंच गया। घर में सब परिवारों का, मित्रों का समर्थन
ये नंबर डायल कर मोदी जी के पास पहुंचाइए। मित्रों, ये लड़ाई है जो भारत का भला चाहने वाली और भारत के टुकड़े करने वालों के बीच की लड़ाई है। और मुझे भरोसा है देश की जनता, हमारे प्रिय नेता, भाजपा के सर्वोच्च नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। अंत में मैं आप सभी को निवेदन करूंगा मित्रों, दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी भींच कर प्रचंड आवाज के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।